नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जानेंगे इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है। सिंपल टर्म में वीडियो में छोटा ही रखूंगा, इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी मैं बता दूंगा आपको इन डिटेल्स में सीरीज ऑफ वीडियो में। तो पहले समझते हैं इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये समझ लो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देख लो अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन एक विकल्प है जहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स, यहाँ पे आपका SBI मैंने ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा अंडरलाइंग SBI होगा। अगर आप TCS लोगे, TCS का कॉल ऑप्शन, तो आपका अंडरलाइंग TCS होगा। अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन लोगे तो आपका निफ्टी इंडेक्स जो है अंडरलाइंग होगा आपका, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का दोनों का अंडरलाइंग आपका मेन आपका इंडेक्स होगा। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो इसका अंडरलाइंग स्टॉक्स होने वाला है। तो यहाँ मैंने SBI लिया हुआ है, तो SBI का स्टॉक्स जो आप बाई करते हो डिलीवरी के लिए वो आपका अंडरलाइंग है, मतलब इसको आपको बाई और सेल करना है। मैंने यहाँ 450 का कॉल ऐड किया है, 440 का कॉल ऐड किया है, 460 का कॉल ऐड किया है, 430 का कॉल ऐड किया है, 420 का कॉल ऐड किया है और 470 का कॉल ऐड किया है। और ये जून एक्सपायरी है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक्सपायरी, समझा दूँ आपको क्या होता है। जून एक्सपायरी है मतलब 30th, मतलब एक्सपायरी कब होता है, या तो वीकली होगा लेकिन स्टॉक्स में मंथली होता है, तो मंथली मतलब थर्सडे। इस मंथ का थर्सडे कौन सा है, जून का 30th ऑफ जून है। इस डेट को अगर आपका कॉल इन द मनी में है तो आपको डिलीवरी लेना होगा SBI का, ध्यान रखना SBI मतलब अंडरलाइन। अगर मान लो 30th को हॉलीडे है तो आपका एक्सपायरी 29th को होगा, आगे नहीं जाने वाला, पीछे होगा। अगर मान लो 30th और 29th का हॉलीडे है तो आपका एक्सपायरी 28th का होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्सपायरी के दिन अगर आपका कॉल इन द मनी में है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी SBI का। अगर आउट द मनी में है तो कॉल जीरो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, पैसे वो चले गए, समझ गए। इसका मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा, पहले इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी समझते हैं कॉल ऑप्शन में क्या होता है। सिंपल है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे जो अंडरलाइंग है आपका, यहाँ पे अंडरलाइंग जो है आपका वो है आपका SBI, मतलब सारा खेल SBI को बाई और सेल करने का ही हो रहा है। आप यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हो, मतलब आप एक्सपायरी में जो है, एक्सपायरी के दिन जो है आपको अंडरलाइंग बाई करना पड़ेगा, अंडरलाइंग मतलब SBI, अगर वो इन द मनी में है तो। इन द मनी में है तो आपको बाई करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहला सवाल आता है आउट द मनी क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आउट द मनी पहले ले रहा हूँ, आउट द मनी। यहाँ पे आप द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा आपको, सिंपल टर्म में समझो। अगर आपका अंडरलाइन, मैंने क्या बोला है, अंडरलाइन आपका जो भी हो सकता है, यहाँ पे आपका SBI है, आपका मान लो इंडेक्स होगा तो निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी होगा। अगर आपका अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन मतलब SBI, इससे ऊपर आपका कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे आपका वो कहलाएगा आउट द मनी, सिंपल टर्म में समझो। इसको आप रियल टाइम में विजुलाइज कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस मतलब कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप ले रहे हो, तो सिंपल है। एग्जांपल बोलता हूँ, ये आपका ट्रेड कितने पे कर रहा है SBI फिलहाल अभी, SBI ट्रेड कर रहा है 441 पे। यहाँ पे देख लो आपका SBI ट्रेड कर रहा है अंडरलाइन 441 पे। अगर मान लो 441 पे ट्रेड कर रहा है ये, और 440, अब यहाँ पे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ 450 आपका आउट द मनी होगा, यस सर, क्योंकि ये जो है आपका 441 पे ट्रेड कर रहा है, आपका जो स्ट्राइक है वो उससे ऊपर है, तो जैसे ही ये ऊपर होगा ये आपका आउट द मनी कहलाएगा। 440 क्या आउट द मनी होगा, नहीं सर जी, 441 से ये नीचे है, मतलब ये इन द मनी में होगा। इसका मैं अलग से कॉन्सेप्ट ले आऊंगा, आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 460 का कॉल आउट द मनी में है, बिल्कुल आउट द मनी में है। यहाँ पे मैं 460 का कॉल यहाँ पे ले आया, 450 फिर 460, ये चल रहा है 441 पे, 450 460 करेक्ट। 430 का कॉल आउट द मनी होगा, नहीं, 441 से ही नीचे है, मतलब इन द मनी होगा। 470 का कॉल आउट द मनी में होगा, करेक्ट। 450 460 470 यहाँ पे देख लो आपका, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी 441 है आपका, यहाँ पे अंडरलाइन उससे ऊपर जितना भी कॉल होगा उसको बोलते हैं आउट द मनी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मान लो NISM एग्जाम में पूछता आउट द मनी कॉल कैसे निकाल सकते हैं, या फिर है या नहीं है, ट्रू फॉल्स में होगा आपका, तो आप बता सकते हो आउट द मनी कैसे निकालते हैं। जो भी आपका अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन वो डिस्क्राइब करके रखेगा, जो भी आपका अंडरलाइन होगा, जो भी उसका प्राइस होगा, अगर आपका उससे ऊपर कॉल आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है और चूज किया है तो वो आपका कहलाएगा आउट द मनी। सिंपल टर्म है, मैंने आपको बता दिया आउट द मनी क्या होता है, आउट द मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये क्यों ट्रेड कर रहा है कम प्राइस पे और क्या इसका रीजन है, मैं अलग वीडियो में लेते आऊंगा और यहाँ बताऊंगा, तो वो जो है पूरा मेसअप हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आउट द मनी समझ गए। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो भी है, जो भी अंडरलाइन है, उसका जो भी प्राइस चल रहा है, उसके ऊपर अगर आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है, जो आपने बाई किया है कॉल ऑप्शन, अगर वो ऊपर है तो आउट द मनी है, सिंपल टर्म में समझो। इन द मनी क्या होता है, अगर आपका जो प्राइस है यहाँ पे, जो आपने प्राइस यहाँ पे लिया हुआ है,
अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, सिंपल टर्म में समझो, उसके नीचे अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया है कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, उसको बोलते हैं इन द मनी। सिंपल टर्म में अगर मैं मान लो 450 को नीचे ले आऊंगा, यहाँ पे सिंपल है, आप विजुलाइज कर लेना, एक पेन एंड पेपर लिख लेना, SBI 441 पे चल रहा है, क्या 450 नीचे आ सकता है? सर नीचे नहीं आ सकता, ये आपका आउट द मनी रहेगा। सर क्या 441 460 हो सकता है? यस, जैसे ही आपका अंडरलाइंग 460 हो जाएगा, आपका 450 का कॉल जो है वो इन द मनी में चला आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, तो आउट द मनी कॉल इन द मनी भी हो सकता है, इन द मनी कॉल आउट द मनी भी हो सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल 441 पे चल रहा है आपका अंडरलाइंग 440 का कॉल, जाहिर सी बात है ये आपका 440 का कॉल जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे 441 है, 440 का कॉल जो है वो आपका नीचे है, तो ये आपका इन द मनी में होगा। 430 का कॉल जो है वो नीचे है, तो आपका ये इन द मनी में होगा। 420 का कॉल जो है वो नीचे है, तो ये आपका इन द मनी में होगा। एक चीज ध्यान रखना, 441 है और यहाँ पे ये चल रहा है 420, मतलब 21 रुपीज इसका इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, इसका मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। सिंपल टर्म में समझो, 441 भी चल रहा है, आपका 421 है, तो ये देख लो 420 प्लस 441 ऑलमोस्ट मान लो 441.60 है, 441.60 माइनस 420 यहाँ पे कितना हो गया 21.60, ये आपका हो गया इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब इतना पैसा तो आपको मिलने ही वाला है, इसका मैं अलग कॉन्सेप्ट ले आऊँगा। जो आपको 25.65 दिखा रहा है ना, ये आपका इसमें 21.60 माइनस कर दो तो आपका क्या हो गया 4.05, ये जो आपका 4.05 है वो आपका टाइम वैल्यू है, इसका मैं अलग से कॉन्सेप्ट ले आऊँगा, ठीक है, जो आपका एक्स्ट्रा है। ये टाइम वैल्यू क्या हो गया, मतलब आप टिल एक्सपायरी इसको होल्ड करोगे तो 4.05 ये जाने वाले हैं, ये जीरो होने वाले हैं, इसका कोई मोहमाया मत रखना, ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। तो समझ गए इन द मनी क्या होता है, जो भी आपका अंडरलाइन का प्राइस होगा उसके नीचे जो भी आपका ऑप्शन ट्रेड कर रहा होगा आपका स्ट्राइक प्राइस, उसको बोलते हैं इन द मनी। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं आपको एट द मनी बता दूं, इन द मनी एट द मनी, आप समझ गए, सिंपल है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स का सवाल आएंगे, आपको एनएसएम एग्जाम लिखते हो इसके बारे में तो 2 या 3 मार्क्स के आपको सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। अब जो है एट द मनी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल टर्म में समझो, अब एट द मनी के बारे में बात करते हैं। एट द मनी क्या होता है, एट द मनी का मतलब होता है जो भी आपका अंडरलाइन का प्राइस है उसके आसपास का प्राइस, मतलब इसके आसपास का प्राइस जो भी होगा वो उसको एट द मनी बोलते हैं। सिंपल टर्म में समझो, प्राइस कितना है 441, तो 441 के आसपास 5 रुपीज़ का डिफरेंस है आपका, 441 के आसपास कौन सा प्राइस चल रहा है, 440 का चल रहा है, तो ये आपका 440 का जो कॉल ऑप्शन है वो एट द मनी आप मान सकते हो इसको। जो आपका 440 का कॉल ऑप्शन है यहाँ पे आपका, 440 का कॉल ऑप्शन है यहाँ पे आपका, उसको आप मान सकते हो एट द मनी। इन द मनी में भी है और एट द मनी में भी है, तो आप इसको एट द मनी कंसीडर कर सकते हो। 441.60 है आपका, 440 का कॉल ऑप्शन है, तो इसको आप एट द मनी कंसीडर कर सकते हो। एट द मनी का मतलब सिंपल टर्म में समझो, जो आपका प्राइस चल रहा है अंडरलाइन का उसके आसपास का कॉल ऑप्शन, सिंपल जो भी है उसको एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। तो इन द मनी समझ गए, एट द मनी समझ गए, आउट द मनी समझ गए, मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इन द मनी का, आपका इन द मनी का, इन द मनी का आपको एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 441 पे चल रहा है, अब मान लो ये आपका 460 का कॉल जो है क्या होगा, इन द मनी होगा, आउट द मनी होगा। सर ये ऊपर जाएगा 460 का कॉल, जाहिर सी बात है 460 का कॉल यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये आपका आउट द मनी हो गया। अब बताओ 480 का कॉल क्या होगा, ये आपका 480 कॉल इन द मनी होगा, आउट द मनी होगा। सर 480 से 1 से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 480 का कॉल भी जो है वो आउट द मनी होगा। अब मान लो यहाँ पे आपका 400 का कॉल क्या होगा, आपका 400 कॉल जाहिर सी बात है सर इससे नीचे है, तो ये आपका इन द मनी होगा। आपको एग्जाम में पूछे तो ऐसे लिख लेना, सिंपल टर्म है, कंफ्यूज मत होना। ऊपर है आपका अंडरलाइन जो प्राइस है वो ऊपर है, उसके ऊपर है तो आउट द मनी है, उसके नीचे है तो इन द मनी है। ये मान लो सर जी 441 का एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, 441 का SBI का प्राइस है, ठीक है, वो कल चेंज हो गया आपका, मान लो वो आ गया आपको 420 पे, मान लो मार्केट क्रैश हो गया, वो आ गया आपको 420 पे, ठीक है। फिलहाल अभी मान लो SBI 440 का कॉल जो है आपका, 440 का कॉल जो है वो इन द मनी में है, क्या 440 का कॉल इन द मनी में होगा? नहीं, ये आपका 420 पे आ जाएगा, तो 440 का कॉल जो है वो ऊपर चला जाएगा, 420 यहाँ रहने वाला है, 440 यहाँ रहने वाला है, तो जैसे ही ये ऊपर गया तो आपका ये आउट द मनी हो जाएगा, सिंपल टर्म है, ठीक है। बता दिया आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, वो आपका कॉन्स्टेंट है, जो स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो वो आपका कॉन्स्टेंट, STRIKP जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लेते हो वो कॉन्स्टेंट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप सेल नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन आपका ये जो है 441 420 ये आपको मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहेगा, अगर ये चेंज होता है, अगर नीचे है तो इन द मनी में है उस प्राइस को हिसाब से, और ऊपर है तो आउट द मनी में, और सामने सामने है तो एट द मनी में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है, बिल्कुल आसान है। क्यों होता है, किस लिए होता है, वो अलग वीडियो ले आऊंगा, एक वीडियो बताऊंगा तो ऑलरेडी लंबा वीडियो बन चुका है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैं जो है सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो उसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं ऑलरेडी एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप देख लेना, मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मुझे रिस्क प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, सिंपल टर्म है, बता दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।